4 जून को रिजल्ट, सियासी दल अलर्ट। देखिए मतगणना से ठीक पहले अब सियासी दलों को फुल प्रूफ अकाउंटिंग की चिंता सताने लगी है। कल इंडिया गठबंधन और बीजेपी के डेलीगेशनों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस ने पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी करने के बाद ही ईवीएम खोलने की मांग की, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने 4 मांगे पेश की। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं, जो मतगणना से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव का शोर थम चुका है, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और अब एक दिन बचा है असल नतीजों के आने में। लेकिन उससे पहले सियासी तपिश भी अपने चरम पर है। मतगणना को लेकर जहां इंडिया गठबंधन की चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, तो बीजेपी भी इसको लेकर गंभीर दिख रही है। लिहाजा चुनाव आयोग के दर पर गुजारिशों की लंबी फहरिस्त पेश की जा रही। मतगणना से पहले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने कई दलीलें पेश की। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की मांग की। दलील ये दी गई कि पोस्टल बैलेट एक जानी मानी प्रक्रिया है और कई बार पोस्टल बैलेट चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग को याद दिलाया जिसमें ये तय किया गया था कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले की जाएगी। साथ ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए ये जरूरी है कि जो पुराना नियम था उसी के तहत काउंटिंग की जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मतगणना के दौरान हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताने की भी मांग की, साथ ही वीवीपैट में पर्चियों के मिलान की भी मांग की, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कराने और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन कराने की भी मांग की। इसके अलावा ये भी मांग की गई कि मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। ये इंश्योर करना चाहिए कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते हैं, मतलब ये सब जो है, दिस शुड बी थ्रू ए सीसीटीवी मॉनिटर्ड कॉरिडोर। नंबर टू, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन द कंट्रोल यूनिट्स। ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो 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 वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया। तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन दी काउंटिंग एजेंट्स। वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, दैट हैज़ टू बी कंफर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना जरूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। काउंटिंग से पहले बीजेपी का भी एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा और अपनी मांगे सामने रखी। बीजेपी ने काउंटिंग में लगे अधिकारियों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने की मांग की, साथ ही काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखने की भी मांग की। मतगणना के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो और राज्य सरकारों का दखल भी न रहे, ये सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। सही माने में काउंटिंग प्रोसेस ठीक से हो और किधर भी किसी प्रकार का गलत गति विरोध ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई मारपीट ना हो, सिक्योरिटी और सुरक्षा बलों को तट पर रखा जाए। हमारे पहले के अनुभव में कुछ राज्यों में कोशिश की गई है कि काउंटिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी देने की, कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी खबरें आई हैं पहले के चुनाव में, जहाँ कुछ राज्य सरकारों ने दखल अंदाजी देकर काउंटिंग प्रोसेस को विशेष किया, खराब किया। ऐसे में इलेक्शन कमीशन कड़ी निगरानी रखे और सुरक्षा बल भी अपना काम तैनात रहे। यानी कुल मिलाकर काउंटिंग से पहले सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं, शंका आशंका का दौर भी जारी है, लेकिन इसे खत्म करने की चुनाव आयोग की कोशिशें भी जारी। आज केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी,
दोपहर दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हर राज्य में भी काउंटिंग की तैयारी तकरीबन पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां दो दो मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में एक एक मतगणना केंद्र है। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहाँ पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक जगह पोस्टल बैलेट की मत। एक तरफ काउंटिंग की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों को काउंटर करने की तैयारी में जुटी है। मतगणना से पहले अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करेंगे और अपनी जीत का दावा करेंगे। वैसे भी इंडिया गठबंधन के नेता एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब की बार विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295? ये अपने आप में एक हास्यास्पद है और अविश्वसनीय सर्वे है एग्जिट पोल का। नतीजा जब आएगा, परिणाम जब आएगा तो बिल्कुल विपरीत परिणाम होंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अंतिम वोट की गिनती तक सारे राजनीतिक पार्टियों को और सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों पर रहना चाहिए। ये सारे एग्जिट पोल के सर्वे बीजेपी के ऑफिस में बनाए गए हैं। इन नतीजों पे हमारा कोई भरोसा दूर दूर तक नहीं है। देखो, जो भी एग्जिट पोल में आ रहा है ना, वो सच नहीं है। अभी जो काल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो है, उसमें इधर उधर नहीं। और हम लोग सारा हर स्टेट का हम लोग आकलन कर करके 295 से आगे जाएगा हम लोग। एक तरफ इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रहा है तो सभी एग्जिट पोल में अपनी जीत की झलक देख रहा एनडीए गदगद है और उसके नेता इन नतीजों से भी बढ़कर नतीजे आने का दावा कर रहे हैं। आज देश की जनता, 140 करोड़ जनता का विश्वास अगर एक व्यक्ति में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। और आज वो स्पष्ट विश्वास का एक आकलन हमें एग्जिट पोल्स में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 4 तारीख तक हम इंतज़ार करें। एक ऐतिहासिक परचम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहराएगी। इंडिया आघाड़ी वाले अभी सपने में है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। और अभी एग्जिट पोल के रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा मौका दिखाई दे रहा है। हमें विश्वास है कि जो हमारा 40+ का हमारा मिशन था, लेकिन अभी हमारा 35-40 का मिशन हमारा है और इसीलिए जरूर ऐसे रुझान आएंगे और 35 से लेकर 40 तक अंबुज सिटी मिलेगी। जहां इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है तो एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। सियासी बयानबाजी और कयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कल बैठकों की अध्यक्षता की। देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की तो भीषण गर्मी और लू से लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों को हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। इस बैठक में सरकार के सीनियर अधिकारी शामिल हुए जहाँ पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की भी समीक्षा की। जैसे ही घड़ी का दाटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।